हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू कुमार और आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज डेट है 25 जनवरी एंड शाम का समय हो रहा है। अभी हॉस्टल से मैं निकला हूँ, दिन भर रूम में पड़ा पड़ा बोर हो गया था तो सोचा चलो चलते हैं कहीं बाहर घूमते हैं। अभी कैंपस में है, ये देख लीजिए आपको कैंपस का व्यू। ये पीछे हॉस्पिटल है, ये हमारे कॉलेज का मेन गेट। यहाँ पे थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा, अदरवाइज पैर फंसने का डर रहता है। कॉलेज से निकलते हैं। ये दो रास्ते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। आज थोड़ा पार्क जाने का मन है तो राइट साइड वाला रास्ता चुनते हैं। देखते हैं पार्क में, अच्छा सा पार्क है बगल में, थोड़ा कॉलेज के जस्ट बगल में। तो आज आपको दिखाते हैं पार्क में क्या क्या सब है, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। ये देखिए कि पार्क का एंट्रेंस है, काफी खूबसूरत है ना। नीचे हाथी की मूर्ति बनाए हुए है। पैसा तो लाए नहीं थे, हमको क्या पता कि टिकट यहाँ पे टिकट का चार्ज लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो किसी ने टिकट नहीं मांगा था, तो मैं ऐसे ही चला आया, मुझे क्या पता कि टिकट लगेगा। बट यहाँ पे गार्ड अभी पूछ रहा था कि भैया टिकट चाहिए, तो जाके हाँ पहले तो वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा था, पर बाद में किसी तरह मान गया जब उसने मैंने बोला कि मेरे पास कैश तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता था। अरे ठीक है, जितना भी था 20 रुपीज पे कर दिए। देखते हैं इस पार्क में। यहाँ पे एक कैंटीन दिख रहा है जहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं और क्या सब है पार्क में। ये देखिए, फर्स्ट टाइम देख के लगा था कि सच में बैल और हल के साथ किसान खेत जोत रहा है, तो लगता है पूरा कि रियली हल बैल है। बट ये स्टैचू बना हुआ है, काफ़ी अच्छा स्टैचू बनाया है इन्होंने। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ बाजार टाइप का लगा हुआ है, मतलब ये आलू बेच रहे हैं। आलू है, बैगन है, ये बंदा गोभी है, बंदा गोभी, ये फूल गोभी है। ये पता नहीं आंटी स्टैचू में जाता में कुछ पीस रही है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये कपल हैं क्या या भाई बहन हैं, पता नहीं जो भी हो। और इसे देखिए, ये कुम्हार है जो मिट्टी का बर्तन बना रहा है। दूसरे साइड से ये जूते बना रहे हैं, जूते ठीक कर रहे हैं। ये पता नहीं कुछ कूट रहा है, मसाला वगैरह या क्या, तो पता नहीं। ये भी जूता बना रहा है, शायद जूता ही बना रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये बंदा क्या कर रहा है, बस ऐसे ही खोया हुआ है, पता नहीं किसके बारे में सोच रहा है। शायद इसकी गर्लफ्रेंड इससे बात नहीं कर रही है। हाँ बाबू, ऐसा ही बात है क्या।
और ये क्या कर रहे हैं? हेलो दुकान था उस साइड भी एक दुकान है, बीच में ऐसे ही पेड़ उड़ है। ये घोड़े के साथ पता नहीं क्या कर रहा है। चलिए पार्क के कुछ दूसरे हिस्सों में जाते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पर। ये शायद बच्चों को उछलने के लिए है कुछ, हाँ जंप करने के लिए। ये मिनी पॉन्ड टाइप का लग रहा है। और ये देखिए, देखने में तो सुंदर ही है, अच्छा है, पर पता नहीं इसका यूज क्या है। सही है ना? सही है। सामने कुछ लोग फोटो खिंचा रहे हैं इसके बैकग्राउंड में। ये एक वापस से मिनी पॉन्ड है। ये झूला है। ये कुछ पता नहीं ऑडिटोरियम टाइप का लग रहा है कि बीच में कोई परफॉर्म करेगा और सारे लोग कॉर्नर पर बैठे रहेंगे। ये कुछ बोटिंग वोटिंग टाइप का सिस्टम लग रहा है। कुछ आइलैंड टाइप का बनाया हुआ है, चारों तरफ गड्ढा है, पानी है और इसमें बहुत सारे बोट हैं। पूछते हैं भैया से ये कब चालू रहता है ये बोट। भैया ये कब चालू रहता है ये बोटिंग सिस्टम, कब चालू रहता है, कब टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग अभी कर सकते हैं, कभी मॉर्निंग में भी रहता है स्टार्ट, मॉर्निंग में भी रहता है। अच्छा 10 बजे से स्टार्ट है, 8 बजे से। टिकट कहाँ पे? काउंटर पे लेना पड़ता है? अच्छा यहाँ भी ले सकते हैं। चलिए चलिए, जैसा कि आपने देखा 10 से लेकर शाम तक कभी भी इस पर राइड कर सकते हैं बोटिंग पे। इसका चार्ज है मात्र 30 रुपीज़ और एक राउंड का, मतलब सर्कुलर टाइप का ये बना हुआ है और एक सर्किल घूमने में 30 रुपया लगता है। आराम से बैठ जाओ और घूम लो। लाइफ जैकेट भी है, डूबने उबने का सुविधा नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये देखिए वापस से मिनी थिएटर, कोई तेलुगु सॉन्ग बज रहा है इसमें, मैं तो नहीं जा रहा, मतलब सिंपल टीवी पे, बड़ा सा टीवी है और इस पे उसमें तेलुगु सॉन्ग शायद चला रहे हैं। मुझे तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आना है तो मैं तो नहीं जा रहा। ठीक है, ये सामने देखिए ब्रेक डांस हो रहा है, मैं तो इस पर कभी ना चढ़ूं। बस सब चिल्ला रहे हैं, ऑब्वियसली खुशी के मारे चिल्ला रहे हैं। कभी कभी सडन बहुत स्पीड से घूमता है, मेरा तो वार्ड लग जाएगा इस पर, इसलिए मैं कभी ब्रेक डांस पे नहीं बैठा हूँ और ना ही बैठने वाला कभी। मेरे लिए सही नहीं है। ये देखिए एक और ट्रेन जैसा सिस्टम, मतलब इंटरटेनमेंट का पूरा सुविधा यहाँ पे रखा गया है इस पार्क में, और हर एक चीज़ का आपको अलग से पैसे देने होते हैं।
देखे, मतलब पार्क का एंट्री फी 20 रुपीज़ है और बाद बाकी आप जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी अवेल करते हो तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे पे करना होता है। बट सही है, मैं तो देख के ही खुश हो जाता हूँ बैठने वाले लोगों में से मैं नहीं। पार्क में पिछले 1 घंटा से घूम रहा हूँ, अभी सोचा कि इस पार्क का नाम क्या है भाई तो फिर हमको नाम याद नहीं आया, मतलब पहले पता था पार्क का नाम, बट फिर भूल गए थे, अभी याद करने की कोशिश कर रहे थे याद ही नहीं आ रहा था, फिर जाके गूगल मैप पे सर्च किए इसका नाम क्या है, पता चला कि इसका नाम, इस पार्क का नाम है शिल्पाराम पार्क। काफ़ी अच्छा पार्क है। तो शाम के 7 बज चुके हैं, बहुत अंधेरा हो चुका है और हमको पैदल जाना होगा हॉस्टल, तो अब निकलते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? तो बताइए आप लोग को कैसा मेरा वीडियो लगा, ये पार्क आपको कैसा लगा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।